हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमी और आपका मेरे चैनल आर्टफुल सिमी में स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट डीआईवाई। तो फर्स्ट डीआईवाई में मैं ये एक्रिलिक कलर की शीशी से एक सिंदूरदानी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने शीशी को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब मैं ले रही हूँ क्ले। तो ये वाला डीआईवाई मैं क्ले से ही करने वाली हूँ। तो मैंने क्ले के दोनों पार्ट्स को आपस में मिक्स कर लिया है और अब ये शीशी के जो कैप है ना, इसके ऊपर मैं एक थोड़ा सा पोर्शन क्ले का रख के उसको इस तरह से मैंने एक चोटी सी बना दी है और फिर मैं एक पेन से इसके ऊपर पैटर्न बना ले रही हूँ क्ले के ऊपर। तो अब ये सिंदूरदानी की कैप तो हमारी रेडी हो गई है, अब शीशी पे भी थोड़ा क्ले आर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्ले लेके उसको पूरी जो शीशी है उसको कवर कर दिया है नीचे वाले पार्ट को, और अब थोड़ी सी और क्ले लेके मैं ये एक पीकॉक बना रही हूँ। तो उसकी नेक और हेड बना लिया जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो अब पीकॉक की चोंच बनाने के लिए मैंने एक टूथपिक ली है और उसमें थोड़ी सी क्ले लगाऊंगी आगे वाले पार्ट में और पीछे वाले पार्ट को इस तरह से उसके हेड के अंदर इंसर्ट कर दूंगी। तो अब अगर आप ये वाला डीआईवाई खुद बनाना चाहें अपने लिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जब आप मोर का हेड बनाओगे ना, तो कैप लगा के देख लेना कि कैप जो है वो प्रॉपर लग रही है कि नहीं। मैंने जब बनाया था तो मैंने चेक नहीं किया था और वो पूरी तरह से लग नहीं रही थी, तो वो बाद में मुझे जो क्ले है वो थोड़ी सी काटनी पड़ी थी ऊपर से। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ का ध्यान रखें बनाते टाइम। तो नेक्स्ट मैंने क्ले के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इनसे मैं अब जो मोर पंख है ना वो बनाऊंगी। तो अब इन क्ले के पीसेस को इस तरह की शेप देके मैं पहले तो चार चार दोनों साइड में लगाऊंगी इसके, और ये लगा देने के बाद मैं थोड़ी सी क्ले बॉटल के नीचे की साइड भी लगा रही हूँ और फिर मैं दो टूथपिक ले रही हूँ और इन दोनों टूथपिक को मैं कुछ इस तरह से इस नीचे वाली जो क्ले नीचे लगाई थी ना उसमें इस तरह से फिक्स कर दूंगी और ऊपर से थोड़ी और क्ले लगा दूंगी ताकि ये प्रॉपर टिके रहें इस पर। और ये हो जाने के बाद मैं थोड़ी और क्ले ले रही हूँ और उसको जो पीछे ये टूथपिक लगाई है ना इनको कवर कर दूंगी क्ले से, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये पंख होने वाला है और इसी के ऊपर हम वो छोटे छोटे मोर पंख बनाएंगे। अब इसके बाद ये बोतल के ऊपर जो क्ले कवर करी है ना इस पर भी हम छोटा मोटा पैटर्न बना लेंगे। और आप ये प्लीज़ क्लिप को इग्नोर करिएगा, ये मैंने इसलिए रखा था कि मुझे जो ये पीछे पंख लगाया है ना इसको उठा हुआ रखना था और ये बार बार क्योंकि क्ले के वजन से झुक जा रहा था, तो मैंने इसलिए ये क्लिप रखा था कि मैं क्लिप के ऊपर इसको टिका सकूँ कुछ इस तरह से, तो वो मैं वीडियो से हटाना भूल गई थी। तो अब मैं क्ले के और छोटे छोटे पीसेस ले रही हूँ और इससे मैं ये पीछे जो हमने पंख लगाया है ना इसके ऊपर छोटे छोटे पंख बना देंगे मोर पंख। और अगर आप बनाएं तो आप ये कोशिश करिएगा कि ये जो आपने छोटे छोटे पंख लगाए हैं ना ये थोड़े उठे हुए रहे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये। तो अब हमारी क्ले सूख गई है, अब हम इसको कलर कर लेते हैं। तो मैं इस पर ब्लैक कलर कर रही हूँ सारे पे। और ब्लैक कलर सूख जाने के बाद मैं ये गोल्डन कलर लूंगी और इस को मैं इसके ऊपर डैब डैब करके सारे में कलर कर दूंगी गोल्डन से। और अब ये हमारा गोल्डन कलर भी सूख गया है तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये बीड्स वगैरह लिए हैं और इनको मैं जहां मेरा मन कर रहा है मैं वहां पेस्ट कर दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आपके पास जो भी हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये अच्छे से पेस्ट कर देने के बाद हमारा ये DIY तैयार हो गया। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो नेक्स्ट जो है वो मैंने स्टोन आर्ट किया है। ये मेरे पास कुछ पुट्टी बच गई थी तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी, अदरवाइज ये नहीं होती तो मैं जैसो अप्लाई करती। और बस इस पे मैंने फिर पेंटिंग कर दी है, जिसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, तो आप वीडियो एंजॉय करिए। सारी पेंटिंग हो जाने के बाद मैंने इस पे बारनिस अप्लाई कर दी और हमारा ये DIY तैयार हो गया।